हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल आलू के पराठे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि हमने इनको कैसे बनाए हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन में हमने लिया है 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा। ये अगर आप टेबल स्पून से लेंगे तो आपको 1-1 चम्मच लेना है, अगर आप छोटे चम्मच यूज़ करें तो 1.5-1.5 चम्मच ले लीजिए। 10 से 12 काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है और अब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट होने के बाद हम इसे पीस कर अलग रख लेंगे। 1 चम्मच ऑयल लिया है, 10 से 12 मैंने लहसुन की क्लोव्स ली हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम बाहर निकाल के कूट के अलग रख लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो आलू लिए हैं, जिनको बॉयल पोटैटोज़ हैं ऑब्वियसली, इनको मैंने मैश कर लिया है। इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 चम्मच हमने इसमें डाला है अमचूर मसाला, 2 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं ये पाउडर जो हमने बनाया था। इसके बाद हमने जो लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आता है। यहाँ पर हमने डो लगा के रखा था, प्लेन जैसे हम डो लगाते हैं, हल्का सा ऑयल और नमक डाल के पराठों के लिए जैसे हम डो लगाते हैं वैसे ही सिंपल ये डो मैंने लगाया है। इतनी बड़ी हम इसमें एक लोई लेंगे पराठे के लिए, ठीक है। तो इसको हम सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे। सूखे आटे से डस्ट करने के बाद हम इसको जैसे हम रोटी बेलने के लिए गोल करते हैं ऐसे करके इसको हम बेल लेंगे। तो इसको हम पतला ही बेलेंगे, थोड़ा बड़ा। ये हमने चपाती हमारी इसकी बेल ली है। अब हम जो हमने मिश्रण बनाया है आलू का, उसका भी हम उतना ही बड़ा बॉल लेंगे जितना हमने अपना आटा लिया था, ठीक है। तो उसमें हम ये रख देंगे और इस तरह से जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं इस तरह से हम इसको पैक कर देंगे और ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा आटा होगा हम उसे निकाल देंगे। इससे क्या होगा, ऊपर रोटी रोटी जैसा टेस्ट नहीं आएगा, पूरा आपको हर बाइट में आलू और बिल्कुल ऐसा लगेगा हाँ स्टफिंग बहुत अच्छे से करी है आपने। तो इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, हम पहले बेलेंगे नहीं तो ये फट सकता है। तो हम इसको अच्छे से प्रेस करके डस्ट लगा के फिर हल्के हाथ से बेलन से बेलेंगे। प्रेस करने से ये होता है कि आलू की जो स्टफिंग है वो चारों तरफ फैल जाती है। ये देखिए इतने संभाल के करने के बाद भी एक दाग आ ही गया, कोई बात नहीं। इसको हम अच्छे से बेलने के बाद गरम तवे पे सेक लेंगे, जैसे कि हम पराठे सेकते हैं। इसको मैंने डाल दिया, इसको फ्लिप कर लेंगे। जब ये अच्छे से सिक जाएगा तो 2 से 3 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी से भी सेक सकते हैं इसको, आलू के पराठे मुझे ऑयल से ज़्यादा पसंद है तो मैं ऑयल से ही फ्राई करती हूँ इनको। तो हम ऐसे चम्मच की सहायता से इसको प्रेस कर करके सेकेंगे। चम्मच से प्रेस करने से अच्छे तरह से सब जगह से सिक जाता है। इसको हम पलट लेंगे, उतना ही ऑयल सफिशिएंट है दोनों साइड्स के लिए। तो हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। सर्दियों में आलू के पराठे बहुत अच्छे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।